वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज हमारा क्लास रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट टू। पार्ट वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम वोकैब्स क्या होता है, कैसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ट्रीट करेंगे, ये सब पढ़े थे। आज हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को। ओके, रेडी रहिए, जो भी समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिए या कल कीजिए, स्टार्ट कीजिए, है ना। तो फर्स्ट हम यूज करते हैं इनकम टैक्स, SBI, RBI, वो सब एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है, RBI में, UPSC में, IPSC में, वो सब जो एग्जाम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बहुत वांटेड टॉपिक है। तो ये किस तरह का यूज करते हैं, कैसे हम उसको दिमाग में रखेंगे, लेकिन रट्टा मार के नहीं होगा, रट्टा मार के तो भूल जाएंगे कुछ दिन के बाद, उसे हम यूज करेंगे, कैसे याद रहेगा। ओके, तो ये मैं जो एग्जाम दूंगा RBI का और CGL SSC और इनकम टैक्स एग्जाम में जो आता है UPSC में, ये हम रिलेटेड में डिस्कशन करेंगे। रेडी रहे, जो भी समझ में आएगा बोलते रहिएगा। ओके, तो फर्स्ट हो गया द पर्सन हु किल्स वन्स मदर। ध्यान दीजिए, द पर्सन हु किल्स वन्स मदर, उसको क्या बोलेंगे, जो पर्सन अपना मम्मी को मारते हैं उसको हम वोकैब्स में क्या है, जनरल इंग्लिश में तो कुछ भी बोलते हैं लेकिन उसे हम वोकैब्स में क्या बोलेंगे ये जानना है। ओके, तो हम पहले देखना है किल्स का वोकैब्स क्या है, ये जानना पड़ेगा फर्स्ट। हाँ, अगर हमको रटना नहीं है और एनालाइज करके पढ़ना है दिमाग में गुस्सा के, है ना। उसके बाद हो गया मदर, मदर का क्या वोकैब्स है ये जानना है हमें, क्लियर। पर्सन हु किल्स वन्स मदर, तो मदर का वोकैब्स क्या हो गया, मैट्रिक, है ना, क्या हो जाएगा, MATRI, मैट्रिक। जैसे हम क्रेसी गवर्नमेंट का किए थे, पीपल डेमोक्रेसी डेमोगव, इस तरह का टूट पॉइंट बना देना, की पॉइंट बना देंगे, सेगमेंट कर देंगे, तो ये दिमाग में प्रिंट है। साइड का भी इंग्लिश जान के, मतलब किल का क्या इंग्लिश होता है, माँ का क्या इंग्लिश होता है, माँ का हो गया मैट्रिक, किल का हो गया साइट। जो मम्मी को मारते हैं, जो अपना मम्मी को मारते हैं उसको बोलते हैं मैट्रिक साइट, क्लियर। MATRI CID, मतलब आपको ये टैग पॉइंट याद रखना है, क्योंकि ये तो चेंज होगा, पापा को मानने से अलग हो जाएगा लेकिन साइड तो रहेगा, पापा को मानने से अलग है, सिस्टर को मानने से अलग हो जाएगा, तो ये कौन किसको मारा जा रहा है ये भी समझना है, नहीं तो हमारे यानी कि ऑप्शन रंग हो जाएगा, क्लियर। तो फर्स्ट हो गया जो पर्सन अपना मम्मी को मारते हैं उसको बोलते हैं मैट्रिसाइड, क्लियर। आगे बढ़े, डाउट नहीं है ना, वेरी गुड। तो द पर्सन हु किल्स वन्स मदर दैट इज मैट्रिसाइड। उसके बाद हो गया सेकेंड नंबर दी पर्सन हु किल्स वन्स वॉमिट, द पर्सन किल्स वन्स फादर, क्या होगा, किल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, किल का हम ऑलरेडी जान चुके हैं, साइड है, साइड तो रहेगा, साइड को हम रख देते हैं, है ना। उसके बाद क्या होगा, द पर्सन हु किल्स वन्स फादर, हम किल का साइड हो गया, उसके बाद होगा फादर, जैसे मदर का मैट्री हो गया, फादर का क्या हो जाएगा, पैट्रिसाइड, पैटर्नल से पैट्री, पैटर्नल क्या होगा ये हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे ना, क्योंकि अवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये PATRI, मतलब आपको याद करना है पापा का वोकैब्स हो गया पैटर्नल से पैट्री, माँ का हो गया मैटर्नल से मैट्री, इतना तो यूज करना है, नहीं तो हम यानी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्लियर। और उसको भी यूज करना है, मारने का इंग्लिश क्या होता है, साइट, जैसे खुद मरते हैं तो सुसाइट, इस तरह किसी को मारते हैं तो साइड तो रहेगा, लेकिन ये जो पर्सन यूज किया गया, पापा को मारते हैं तो क्या होगा ये यूज करना है, मम्मी को मारते हैं तो क्या है, ये सब यूज करना पड़ेगा, साइड तो हम जानेंगे, साइड तो हम जानेंगे लेकिन ये सब हमको चेंज करना पड़ेगा, और ये हमको दिमाग में रखना पड़ेगा प्रैक्टिस करके। ओके, द पर्सन हु किल्स वन फादर्स दैट इज पैट्रिसाइड। ओके, वेरी गुड। उसके बाद आ जाता है द पर्सन, किल्स तो रहेगा मैं नहीं मिटा रहा हूं, इसलिए द पर्सन हु किल्स वन्स ब्रदर, जो भी अपना भाई को मारता है उससे क्या बोलते हैं, साइड तो रहेगा, पहले से बोले साइड तो रहना ही रहना है, जैसे पापा का हो गया, मम्मी का हो गया, भैया का आ गया, भैया क्या होगा, भैया का होगा फ्रेटरी, ये सब कुछ फ्रेटरनाल, ये तो एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, नाल क्यों लग गया, हाँ तो क्या हुआ ये फ्रेटरी, PRATRI, फ्रेटरी साइड। ओके, साइड तो रह जाएगा दिमाग में, लेकिन ये जो कहाँ पे पैट्री, कहाँ पे मैट्री, कहाँ पे फ्रेटरी, ये सब को यूज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, याद करेंगे तो यूज ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके, तो यह हो गया द पर्सन हु किल्स वन्स ब्रदर दैट इज फ्रेटरी साइड, क्लियर। आगे बढ़े, वेरी गुड। जो भी डाउट होगा मुझे कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए, नहीं बोलेंगे तो जान भी नहीं पाऊंगा, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, देखो बहुत सारे वीडियो में यहाँ का ट्रिक बोल रहे हैं, ट्रिक कुछ नहीं होता, स्टूडेंट्स हैं हमारे, एक ही ट्रिक है अनेस्ट लेवल, अगर मेहनत करेंगे तो ये हमारे दिमाग में घुस ही जाएगा,
अगर रट्टा फट्टा कुछ ठीक नहीं होता स्टूडेंट्स लोग के लिए, ओके तो मेहनत कराना इस लेवल के, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया द पर्सन हु किल्स वन्स वाइफ। बोलिए एक पर्सन है जो अपना बीबी को स्त्री को मारते हैं, पत्नी को मारते हैं, उसको क्या बोलते हैं, या मार देते हैं, पीटते नहीं है, ये मारते हैं पूरी जान से, क्या होगा? देखो यहाँ भी किल लिखा है तो हम यहाँ के साइड तो रहेगा ही रहेगा हाँ, लेकिन कहाँ कहाँ को क्रिटिकल वर्ड आ जाएगा ये जरा आपको रट्टा नहीं मानना है। मैं हर बात बोलता हूँ, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ रिसाइटिंग, आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ द एनालाइजिंग, ओके। द पर्सन हु किल्स वन्स वाइफ, क्या होगा ये? युग जोरी। वाइफ का वो कब से आया है? युग जोरी, ये जरा ध्यान देना है, युग जोरी, युग जोरी साइड ध्यान देना है, क्रिटिकल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट तो है, डिफिकल्ट तो लगेगा ही, है ना। तो द पर्सन हु किल्स वन्स वाइफ दैट इज युग जोरी साइड, युग जोरी को युद्ध करना है। भार वह बाप का भूकप्स है, माँ का जैसे हो गया मैट्री, पापा का हो गया क्या है मैट्री हो गया, पेट्री हो गया, ब्रदर का क्या हो गया फ्रेट्री, इस तरह वाइफ का क्या हो गया युग जोरी। पूरा दिमाग में प्रिंट करना है, रटना नहीं है, मैं रटने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं रटो, बिल्कुल नहीं रटने के, रटने का काम कभी नहीं होता, अच्छे स्टूडेंट रट्टा नहीं करते, अच्छे स्टूडेंट समझते हैं क्यों हो रहा है, अगर क्यों हो रहा है आ गया तो सब कुछ हो गया समझ लीजिए, है ना। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, कौन से नंबर, फोर नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का, द पर्सन हु किल्स वन वाइफ, क्या हुआ ये? हम तो वाइफ का किल का बोल दिया है साइड है, लेकिन वाइफ को भी लिखना पड़ेगा युग जोरी साइड, मैं प्लस लगा दिया हूं, मैथ तो नहीं कर रहे ना, समझ आ रहे हैं, ये मिला देंगे तो युग जोरी साइड, प्लस को निकाल देंगे, समझ रहे, मतलब एक सेगमेंट एक सेगमेंट युग जोरी साइड, क्या हुआ ये? जो अपना पत्नी को मारते हैं उसे बोलते हैं युग जोरी साइड, क्लियर, आगे बढ़े, वेरी गुड। उसके बाद हो गया द पर्सन, दी पर्सन हु किल्स वन सिस्टर, वो पर्सन है जो अपना सिस्टर को मारते हैं, बहन को मारते हैं, उनको क्या बोलते हैं? देखो हर का क्वेश्चन आता है, सिस्टर का बहुत आता है, युग माने वाइफ का भी बहुत सारा केस आता है, भाई का आता है, बहुत माने कुछ भी आएगा, लेकिन हमको पूरा अच्छे से दिमाग में बनना है, रट्टा नहीं मारना, प्लीज रट्टा मत मारिए, काम नहीं आएगा। हमारा जो क्लास का मोटो है ऑफिसर बनना, रट्टा बनने से ऑफिसर कोई नहीं बनना है आजकल, हो ही नहीं पाएगा, टप्पर कोई बनता है रट्टा मार के, तुमको टप्पर बनना है ना, तो टप्पर बनने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टू बी कॉम्प्रिहेंसिव, है ना। द पर्सन हु किल्स वन सिस्टर दैट इज साइड तो रहेगा, सिस्टर का भूकंप क्या है जानना पड़ेगा हमें, क्या है? सोरोरी साइड, सरो सरोरी, सॉरी को याद करना आ जाएगा, ये ट्री है बोलते हैं वीडियो क्लास में, सोरो को यूज करना, ऐसा नहीं है, याद करना है सोरोरी सिस्टर है वो कैप्स, सोरो हम क्यों यूज करेंगे, सॉरी फॉर कुछ नहीं, सोरोरी ही उसका वो कैप्स है, वही यूज करेंगे, तो हो गया सोरोरी, एस ओ आर ओ आर आई, सोरोरी साइड, साइड जो रहता है सिर्फ हमको यूज करना है सोरोरी, यूज तो उसे भी करेंगे लेकिन ये क्रिटिकल है, वो हमको टाइम लग सकता है, इट माइट टेक टाइम To get it analyzed, है ना? तो क्या हो जाएगा? जो अपना सिस्टर को मारते हैं उसको बोलते हैं सोरोरी साइड, जो अपना भाई को मारते हैं फ्रेट्री साइड, पापा को मारते हैं प्रेट्री साइड, माँ को मैट्री साइड, वाइफ को युगजोरी साइड, फैमिली का सब कुछ हो गया। अब हम और भी कुछ क्वेश्चन पड़ जाता है किंग के बारे में, कभी कभी मास के बारे में पड़ जाता है, ये जरा ध्यान देना, ओके ध्यान। अब अरे क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा किल्स के ऊपर, माने किंग के बारे में, The person who kills one's king, क्या हुआ? वो भी किल है, साइड तो रहेगा ही रहेगा, क्या हुआ? साइड प्लस दे दिया, एडिशन नहीं है ना, पर्सन हु किल्स वन किंग, क्या हो जाएगा? साइड, किंग का क्या हो जाएगा वो कैफ, इसको याद रहना है, पूरा क्लियर हो जाना, क्या हुआ ये? रॉयल होता है, हम पढ़े थे लास्ट क्लास में, क्या पढ़े थे? मोनार्की पढ़े थे, यहाँ पे वही नहीं आएगा, क्या होगा? यहाँ पे कुछ यानी एक्सेप्शनल हमको फॉलो करना पड़ेगा, रॉयल से हम बना देंगे रेजी, क्या राजा का क्या हो जाएगा? रॉयल है, माना राजा की फैमिली से रॉयल बोलते हैं, लेकिन यहाँ क्या करेंगे? राजा को बना देंगे रेजी, क्लियर, जो अपना राजा को मारते हैं उसे बोलते हैं हम रेजी साइड, हाँ साइड तो है, हमको यूज करना है रेजी, क्लियर, जो अपना राजा को मारते हैं उसको बोलते हैं रेजी साइड, साइड माने किल, रेजी माने राजा, वोकैब्स में डाउट नहीं है, द पर्सन हु किल्स वन्स किंग दैट इज रेजिसाइड, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन
क्लियर हो गया ना, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान देना। द पर्सन हु किल्स इन मास और ग्रुप, है ना, जो पर्सन को ग्रुप में मारा जाता है, किसी को भी ग्रुप में मारते हैं। सोच लीजिए जैसे कुछ दंगा होता है, जैसे कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले मुसलमान हिंदू का दंगा हुआ था, सिंह हिंदू पंजाबियों का मैंने दंगा हुआ था, बहुत कैसे सही है हमको समझना भी नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा स्टोरी था ना। तो क्या होता, मिल के मारे थे, मुसलमान हिंदू को मारते, हिंदू मुसलमान को मारे थे, पंजाबी हिंदू को मारते थे, हिंदू पंजाबी को मारते थे, ये सब। तो ये जो ग्रुप में मारते हैं हम, यानी कि मारने पीटने का बात नहीं करते हैं हम, यानी कि समझाने। तो ग्रुप क्या है, किसको बोलते हैं, जो हम मिल के हम किसी को मार देंगे ना। तो ये हो गया, क्या हो गया, जेनो माने ग्रुप, ग्रुप है, ग्रुप का वोकैब्स क्या है, जेनो। ये सबको यूज करना है क्योंकि हमको अगर ये रट लेंगे तो काम नहीं आएगा, रटने से कभी नहीं, बहुत सारा पढ़ना है। 500 से ज्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे दिमाग में पिन करना है। तो ये रट डट के नहीं होगा, समझना है हमको। साइल माने जैसे समझे, जेनो समझे, रेजी समझे, इस तरह का पूरा दिमाग में पिन करना है। माने हर किसी को हम समझा सकते हैं, अगर रट लेंगे तो समझा नहीं पाएंगे, उसे भी बोलेंगे तू भी रट ले, ये अच्छा नहीं, ये एजुकेशन नहीं है, है ना। तो क्या होगा, द पर्सन हु किल्स वन इन मास और ग्रुप, वन इन मास और ग्रुप माने क्या हो जाएगा, अगर हम किसी को ग्रुप में मारते हैं या मास में मारते हैं उसको बोलते हैं हम, साइब तो रहेगा क्योंकि किल बोला है, लेकिन हम यूज करेंगे क्या होगा, जेनोसाइड। ग्रुप का वो कैप्स हो गया जेनो, या किसी को अगर समूह में कम्युनिटी में मार देते हैं तो उसका फैप्स हो गया जेनोसाइड। क्लियर, अगर मृत्यु का, किल का अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो इसके अंदर ही आएगा, उसके अंदर, उसके बिना कुछ भी नहीं है, आगे तो जाएगा ही नहीं। जितना भी मैं क्वेश्चन दिखाऊं एग्जाम में, ये सब आया है, ये सब इसे लिखा दिया, दैट्स व्हाट आई मेड यू राइट। आपका, मेरा काम मैं किया, आपका काम आपको पढ़ना है, तब जाके हमारा क्लास सक्सेस होगा। आप नहीं पढ़ेंगे तो क्लास सक्सेस नहीं होगा, देखते बोल लिया, नहीं पढ़ेंगे तो डाउट भी नहीं निकलेगा, डाउट नहीं निकलेगा तो हम क्लास नहीं करेंगे, और क्लास अगर डाउट क्लियरिंग का नहीं करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा। क्लियर, तो ओके, तो हम जरा आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारा कैसे रहता है ना। ये हो गया हमारा स्किल्स के बारे में, और हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं या कुछ डिस्कशन करते हैं डरने का, बहुत सारा केसेस रहता है डरने का। हम स्पाइडर को डरते हैं, स्नेक को डरते हैं, डक को डरते हैं, डरने का ऊपर में बहुत सारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाता है। क्लियर, तो हम जब आप क्वेश्चन आएंगे फियर के ऊपर, ओके, तो फियर का वोकैब्स हमको जानना है, जैसे किल का जाने, गवर्नमेंट का जाने, इस तरह फियर का भी जानेंगे। ओके, डाउट नहीं है, माना जब किल के बारे में कोई डाउट होगा तो मुझे पूछते रहे, कल कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करना बेस्ट है क्योंकि कमेंट में कभी भी आंसर दे पाएंगे। और कल का क्या होता है, कभी भी क्लास में रहने से मैं जान भी नहीं पाता हूँ कल आ रहा है, साइलेंस में रहता है मेरे सर। क्लियर, तो हर बात ध्यान देना है क्या पढ़ा जा रहा है, कैसे हम उसको ट्रीट करेंगे, तो जाके सक्सेस होना है। क्लियर, तो फोर का एक आता है फोबिया, PHOBIA, ओके, इतना यूज होना है। अगर क्वेश्चन में फियर है तो फोबिया आना ही होना है, लेकिन फोबिया ही आंसर नहीं है, और भी कुछ अट करना पड़ेगा। जैसे हम किए थे जेनोसाइट, रेजिसाइट, तो कहाँ पे जेनो करेंगे, कहाँ पे रेजी करेंगे, इस तरह फोबिया के साथ क्या ऐड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन में पूछा है ये अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस तो अच्छे से करना है। ये टॉपिक है, क्रिटिकल टॉपिक तो है बट इम्पॉसिबल नहीं है, हमको यहाँ बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। क्लियर, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो एग्जाम का क्वेश्चन है यूपीएससी का दे रहा हूँ, यूपीएससी या स्टेट लेवल का जो पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन हो रहा है, इसका क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं क्योंकि ये सब हमारा रिपीट होता ही है, हेल्प सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में ये सब रिपीट है। ओके, फास्ट हो गया, पर्सन हु फियर्स स्पाइडर। ओके, ध्यान देना, क्रिटिकल लगेगा, जो साइंस स्टूडेंट है उनको जरा इजी लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हम प्रैक्टिस कर करके वी हैव टू मेड इट इजियर, उसके इजी बनाना है, इजियर बनाना पड़ेगा, इजीएस्ट भी बनाना पड़ेगा। क्या होगा, पर्सन हु फियर स्पाइडर, जो मकड़ी को डरता है, मकड़ा बहुत सारा डरते हैं, हर तो डरते हैं, कोई कोई तो डरते हैं, और जो डरते हैं उसके लिए हमारा इंग्लिश है ना। तो स्पाइडर का क्या होगा, फियर्स का, फियर्स होगा क्या, फोबिया, PHOBIA, ये तो पूरा फाइनल है, ये तो लिखना ही लिखना तय है, फोबिया लिखेंगे बिकॉज फियर है, इतना है। अब हम लिखेंगे स्पाइडर, स्पाइडर को डरने को क्या बोलते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या होगा, ये क्रिटिकल वर्ड है, हाँ, एराक्नो, स्पेल देखो, मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ, हैंडराइटिंग समझ में नहीं आता इसलिए मैं बोल बोल के डिक्टेट करके लिख रहा हूँ। क्या होगा, ARACHNO, क्या हुआ, जो स्पाइडर को डरते हैं उसको बोलते हैं, जो स्पाइडर को डरते हैं, डरने का होगा फोबिया, जो स्पाइडर को जो डरते हैं उसको क्या बोलेंगे, एराक्नो, ARACHNO, ध्यान देना।
ये आईएएस ओएस या जो हमारे स्टेट का पब्लिक सर्विस है होता है वो सब आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आता ही रहता है, बैंक्स में नहीं आएगा ये टॉपिक, बैंक्स में नहीं आएगा। हाँ कभी कभी आरबीआई में कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, आरबीआई में नाबार्ड में आ जाता है, लेकिन एसबीआई में आईबीपीएस में ये पैटर्न नहीं है। यहाँ पे जाना भी नहीं, हमको आईएएस बनना है ओएस बनना है, बैंक में जाना भी नहीं है। ओके क्या करेंगे, ये पर्सन हु फियर्स स्पियर स्पाइडर, स्पाइडर जो स्पाइडर को डरते हैं उसको बोलते हैं एराक्नो। फोबिया तो है ही, डरना मतलब फोबिया है, तो हम उसको यूज करना है एराक्नो। जो स्पाइडर को डरते हैं उसको बोलते हैं एराक्नो। क्लियर, आगे बढ़े, वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे स्नेक, जो हर कोई डरता है, ऐसा कोई आदमी के स्नेक को नहीं डरता है, हर कोई डरता है। क्या होगा, जो स्नेक को डरते हैं उसे क्या बोलते हैं बोलो, क्या बोलिए, कोई छोटे भी है कोई बड़े भी है, पर्सन हु फियर्स स्नेक, बोले स्नैक को डरते हैं, क्या होगा, जो फोबिया तो होगा ही होगा, फोबिया तो हम लिख ही देंगे अगर सेंटेंस में फियर से, तो फोबिया तो रहेगा, वो बटन नहीं है, फोबिया तो हर में देगा, फोबिया फोबिया चार पांच ऑप्शन दिया होगा, जानेंगे कैसे, हाउ शुड यू नो, कैसे पर्सन हु फियर्स, हम तो फियर्स लिख दिया, अगर स्नैक नहीं लिखे ना, स्नैक भी लिखना पड़ेगा, फियर्स तो हम लिख लिए, स्नैक क्या हो जाएगा याद करना, ओफिडियो, ओफिडियो क्या होगा, O P H I D I O, ओफिडियो फोबिया, फोबिया तो फाइनल है, फोबिया में कोई भी पिस नहीं है, फियर है तो फोबिया डाल देंगे, ऑप्शन में हर में फोबिया दिया होगा, क्वेश्चन यहाँ नहीं है, क्वेश्चन हमारे ओफिडियो में, ध्यान देना, पर्सन हु फियर स्नेक दैट इज ओफिडियो, ओफिडियो किसका बुक है, वह स्नेक का, फोबिया डर का, बस इतना ही है, डर का भी वो कभी जानेंगे, स्नैक का भी वो कभी जानेंगे, क्लियर हो गया। अगर हम सेगमेंट कर देंगे तो क्या होगा, इसमें अगर फील कंफर्टेबल, नहीं तो रटना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बेटों में नहीं आता, हमारे डिक्शनरी में रट्टा नहीं है, क्लियर है ना, पर्सन हु फियर स्नैक दैट इज ओफिडियो फोबिया, ओके वेरी गुड। ये क्रिटिकल है, डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल नहीं है, मैं हर बात बोलता हूँ इम्पॉसिबल चीज तो कुछ है ही नहीं, हाँ उसे पॉसिबल बनाना है, बट बाय वर्किंग वेरी हार्ड, टू हार्ड है कि वेरी हार्ड है, पढ़ेंगे ग्रामर में, है ना, पर्सन हु फियर्स हाइट, जो हाइट को डरते हैं, हाइट ऊंचा जगह, क्या हुआ, बहुत कोई होते हैं, हर कोई होते हैं, गांव के जो होते हैं, मैं विलेजर में जो रहते हैं, मैंने बिल्डिंग बहुत कम होते हैं गांव में, आजकल तो हो गया है, तो कैसे तो मैं क्या किया, हाइट को डरते हैं लोग, कुछ डिजीज भी होता है ऊंचा जगह को डरते हैं कोई भी, क्या बोलते हैं उसे, फोबिया लिखना है, फोबिया तो लिखना है उसमें, पी एच ओ बी आई ए हमको लिखना ही है, लेकिन हाइट का भी वो कैसे लिखना है, क्या होगा ध्यान देना, एराक्नो ऐसा कुछ कुछ मिला जुला है, भाई भाई हैं वो लोग, लेकिन भाई भाई तो है नहीं, हमको निकलना पड़ेगा कुछ कुछ, क्या होगा, एक्रोफोबिया, ध्यान देना, ए सी आर ओ, एक्रोफोबिया, ये सब ज्यादा ध्यान देना, कुछ कुछ एक्रो एराक्नो ऑफिडियो मेडिसिन जैसा लग रहा है, ध्यान देना मेडिसिन जैसा लग रहा है, लेकिन मेडिसिन है नहीं, हमको ये जनरल जनरल इंग्लिश में नहीं आता, वो कैप्स है, ग्रामर का टच नहीं है वहाँ, हमको ये सब कुछ क्लियर होना, हाइट का वो कैप्स है, एक्रो स्नैक का वो कैप्स है, क्या बोला मैं, स्नैक का ऑफिडियो, स्पाइडर का एराक्नो, पूरा दिमाग में प्रिंट करना, ओके, एराक्नोफोबिया और क्या बोले थे, ओफिडियोफोबिया एक्रोफोबिया, लेकिन एक्रोफोबिया कहाँ का है वो भी जानना है, हाइट, ओफिडियो किसका है, स्नैक, एराक्नो स्पाइडर, ये भी जानना है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, राइट, वेरी गुड। अब हम यूज करेंगे फियर द हाइट हो गया, अब डरते हैं जरा क्राउडेड, क्राउडेड रूम है, उजाला जगह है, ऐसे भी कुछ होते हैं, वन हु फियर्स क्राउड, जो बढ़ते हैं क्राउड और लाइट प्लेस, ये ब्राइट प्लेसेस, ब्राइट एरिया या लाइट, जहां पे लाइट होगा, उजाला को डरते हैं कोई कोई, हाँ ध्यान देना, जो क्या करते हैं क्राउड को डरते हैं, उजाला को डरते हैं, सूर्योदय तो अलग हो जाएगा, सूर्योदय अगर लिखेगा तो अलग होगा, ये पढ़ेंगे हम, पर्सन हु फियर्स क्राउड ब्राइट उजाला, उसके बाद हो गया जो लाइट देता है या ब्राइट देता है या क्राउड, मैंने क्वेश्चन में क्राउड आएगा, ब्राइट भी आ सकता है साउंड, लेकिन अलग है ये नहीं होगा, है ना, पर्सन हु क्राउड ब्राइट एरिया, क्राउड और ब्राइट एरिया, क्राउड और ब्राइट एरिया, क्या होगा, ये भीड़ को डरते हैं, उजाला को डरते हैं, भीड़ भाड़ को डरते हैं, झगड़ा पगड़ा होता है नहीं जाते कोई भी, फोबिया लिखेंगे, हाँ फोबिया तो ठीक लिखेंगे, पी एच ओ बी आई ए, क्या होगा फिर, फोबिया हो गया, उसके बाद ध्यान देना क्या होगा, ये सब कुछ जरा ध्यान देना है, बहुत अलग है, जनरल इंग्लिश में नहीं आता, एगोरा, क्या होगा, ए गोरा, ए गोरा, गोरा बोलते हैं ना हर को, आप गोरे हैं बोलते हैं ना, गोरे पे अलग हो जाएगा,
लेकिन पढ़ के जाएंगे तो ऑप्शन में आएगा, टिक कर देंगे। होबिया तो हर में रहेगा लेकिन एगोरा हर में नहीं रहेगा। और जानना है एगोरा क्राउड प्लस को फियर जो करता है, ब्राइट प्लस को जो फियर करता है, या लाइट को जो फियर करता है, इतना भी जानना है। नहीं तो हर में रहेगा एगोरा एस्ट्रो एक्रो हर में समान रहेगा। अगर हम नहीं जानना है कि एगोरा, एगोरा का मतलब होता है क्राउड प्लस को जो डरता है उसे एगोरा बोलते हैं। फोबिया तो डर का इंग्लिश है, वोकैब्स है, इतना क्लियर है ना। फोबिया का डर को क्या बोलते हैं और हाइट को क्या बोलते हैं, हाइट को क्या बोलते हैं मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। हाइट को क्या हो गया एक्रो ना, ये क्या हो गया ये क्राउडेड प्लेस या ब्राइट एरिया जहाँ उजाला ज्यादा होता है, इसको भी डरते हैं। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे अंधेरा को डरता है जो, ये तो उजाला हो गया। अब पढ़ेंगे हम अंधेरा, माने उसका मेनली भाग सोच लीजिए एंटोनिम, सिनोनिम तो नहीं एंटोनिम क्योंकि अपोजिट पढ़ेंगे। ये पढ़े थे क्या उजाला, ये पढ़े थे क्राउडेड प्लेस। ये हम जब आप जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, वही पर्सन जो अंधेरा को डरता है, माने अंधेरा माने पूरा डार्क रूम हो गया या कोई छोटा सा जगह नैरो प्लेस हो गया, उस चीज को जो डरते हैं उसको क्या बोलेंगे, पूरा सिनोनिम है, ध्यान देना, सॉरी एंटोनिम है। क्या होगा ये हो गया पर्सन हु फियर्स क्राउडेड और ब्राइट एरिया और लाइट, ब्राइट लाइट एरिया को बोलते हैं हम क्या एगोराफोबिया। द पर्सन हु फियर्स क्लोज रूम, क्लोज्ड और डार्क रूम, उसके बाद हो गया तुम्हारे लेकिन नैरो, नैरो वे भी आप यूज कर सकते हो कि नैरो लाइन या नैरो वे, माने जो छोटा जगह होगा, माने अंधेरा लेकिन होना चाहिए उजाला में, ये उजाला में काम नहीं आएगा, वो अंधेरा में चंद्रदेव सूर्यदेव में काम नहीं आएगा ये, ध्यान देना। पर्सन हु फियर्स क्लोज और डार्क रूम्स या नैरो वे या नैरो लेंथ, ध्यान देना है। फोबिया रहेगा क्योंकि डर बोला है ना, एफ ओ बी आई ए या पी एच ओ बी आई ए, फोबिया ऑप्शन एफ ओ बी आई भी चलेगा, पी एच ओ बी आई ए में कोई इश्यूस नहीं है, है ना। क्या हुआ ये पर्सन हु फियर्स क्लोज रूम, माना संकीर्ण जगह होगा, नैरो प्लेस होगा या अंधेरा होगा, क्या बोलेंगे उसे, ध्यान देना, क्लस्ट्रोफोबिया। ये हो गया एगोराफोबिया, ध्यान उसको देना, सी एल ए यू एस टी आर ए क्लस्ट्रो एफ ओ बी आई ए या पी एच ओ बी आई ए। देखो हैंड राइटिंग समझ में नहीं आएगा इसीलिए मैं आपको डिक्टेट कर करके बोल रहा हूँ। जो अंधेरा है उसको बोलते हैं क्लस्ट्रो, जो उजाला है यार हाइट, उजाला है हाइट नहीं है, हाइट का अलग है, हम पढ़ चुके हैं, उजाला अंधेरा का अपोजिट हो रहा है इसलिए मैं समझा रहा हूँ। उजाला अंधेरा, उजाला क्या हो गया एगोरा, अंधेरा हो जाएगा क्लस्ट्रो, इतना ही यूज करना है, रट्टा नहीं बोल सकते उसे प्रैक्टिस करके, ये कभी भी भूलना नहीं है, यू हैव नॉट टू गेट इट फॉरगॉटन, भूलना नहीं है, रटेंगे तो दो दिन के बाद भूल लेंगे, भूलना नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस कर करके पढ़ना है। एगोरा क्लस्ट्रो एक्रो और क्या क्या पढ़े आप, ओफिडियो और क्या पढ़े एराक्नो, लेकिन ये सब कहाँ कहाँ का वर्ड है भी जानना है। ओके अगर तो क्या हो गया पर्सन हु क्लो हु फियर्स क्लोज एरिया डार्क रूम या नैरो प्लेस दैट इज क्लस्ट्रोफोबिया। ओके सॉरी उसके बाद होता है द पर्सन हु फियर्स फ्लाइंग इन हाई या फ्लाइंग हाई, जो ऊंचा जगह में डरता है उड़ने के लिए, क्या होगा यार, यार है ना फोबिया तो रहेगा, एफ ओ वी आई ए फोबिया तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद हम यार, कौन उड़ेगा यार में उड़ेगा ना, वाटर में थोड़े ना उड़ेगा, नहीं होगा ना। पर्सन हु फियर्स फ्लाइंग हाई, क्या होगा ये एक हाइट बोल दिया था मैं, ये लेकिन फ्लाइंग है उड़ने का, देखो कितना कैप्सा है, एक हाइट अगर हो गया तो एक्रो हो जाता है ये, लेकिन एक्रो तो नहीं होगा ना, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये हमको यानी कि कैप्स करना है, नहीं तो टैपअप नहीं है, और अदरवाइज को ले जाना हमको ये दिमाग में घुसाना ही है। ओके पर्सन हु फियर्स फ्लाइंग हाई, क्या होगा ये फोबिया तो हो गया फ्लाइंग हाई, क्या होगा ए आर ओ एरो ए आर ओ, अगर आप ठीक को जाओगे यार को याद करना एरो यूज आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है यार, कुछ एरो ही याद है, वो कैप्स एयर का एरो ही है यार, कुछ यूज करेंगे ऐसे दिमाग में घुसेगा। वी आर नॉट टू गेट अवर से डोमिनेट, वी हैव टू गेट डोमिनेट अवर दिस, हम इसको भी डोमिनेट करना है ना कि खुद को डोमिनेट करवाना है। ओके डोमिनेट करना है ना कि करवाना है, हर बात ये ठीक अप्लाई करना है ना। पर्सन हु फियर्स फ्लाइंग हाई दैट इज एरोफोबिया, क्लियर आगे बढ़े, वेरी गुड। और एक क्वेश्चन देखते हैं, पर्सन हु फियर्स,
person who fears lightning. Lightning, light मारने को नहीं, क्या चढ़ा बिजली क्यों मारता है, क्या होगा ये ध्यान देना है। एक क्रो पढ़े थे, ये क्या है, ऐसा ही है, उसका फैमिली में आता है, लेकिन ये नहीं है। क्या होगा, पर्सन हु फियर्स लाइटनिंग, ये हो गया फोबिया। फोबिया तो रहेगा, उसका फैमिली में आता है, डर के फैमिली में आता ना, फोबिया तो आएगा, लेकिन क्या यूज करेंगे, लाइटनिंग बोला है, याद करना। एस्ट्रोलॉजर को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक अच्छा नहीं है, ये सब ट्रिक नहीं बोलते, उसको रट्टा वाला बोलते हैं। हमको यूज करना है, क्या यूज करेंगे, अगर लाइटनिंग में कोई डरता है, लाइटनिंग का वो कैसे एस्ट्रो, बस इतना ही याद है, नहीं कि एस्ट्रोलॉजी को यूज करेंगे तो एस्ट्रो होगा, यूज आएगा कैसे, नहीं, हम स्टूडेंट है, हमारे दिमाग में घुसना ही है, घुसना ही है ना, कोई में कॉन्फिडेंट नहीं है, एस्ट्रोफोबिया। ओके, अगर हम लाइटनिंग को डरते हैं, दैट इज नोन एज एस्ट्रोफोबिया। क्लियर, डाउट नहीं है, वेरी गुड। डाउट तो होगा, पढ़ के हमको वी हैव टू एब आवर डाउट आउट, अबाउट, हमको डाउट को अबाउट करना ही है। क्लियर, अब हम पढ़े, क्लियर, लाइटनिंग का हो जाएगा एस्ट्रोफोबिया। अब हम पढ़ते हैं पर्सन, पर्सन हु फियर्स ऑफ स्टोलन एनीथिंग, या ऑफ स्टीलिंग एनीथिंग, स्टील एनीथिंग, पर्सन हु फियर्स ऑफ स्टीलिंग माने चोरी हो जाएगा, अगर किसी का डर रहता है, ये भी एग्जाम में आता है, बहुत रिपीटेड है, ध्यान देना है। पर्सन हु फियर्स स्टीलिंग मैं चोरी हो जाएगा, जिसको डर लगता है, क्या बोलेंगे उसे, फोबिया तो रहेगा, PHOBIA तो रहेगा, लेकिन हमको क्या यूज करना है, चोरी, चोरी का भूख यूज करना है, वहां क्या होगा, ध्यान देना है, क्लेप्टो, हाँ, ये जरा क्रिटिकल नहीं है, चार पांच बार पढ़ने के बाद दिमाग में क्रिएट होगा, लेकिन रटना नहीं, हाँ, क्लेप्टोसिलिपिटियो, आप लैपटॉप यूज कर भी सकते हो, लेकिन ये पढ़ाई नहीं है, ये सब पढ़ाई नहीं बोलते हैं उसको, तो यानी कि रट्टा तो कोई भी कर देगा, हमको समझना है, जब भी पूछेंगे चोरी का क्लेप्टो आना ही है, दैट इज एजुकेशन, है ना। पर्सन हु फियर्स ऑफ स्टीलिंग, दैट इज क्लेप्टोफोबिया। क्लियर, आगे बढ़े, पर्सन हु फियर्स ऑफ वेल्थ, धन दौलत को लेकर डर लगता है, शायद कौन ले जाएगा, क्या होगा, या इतना धन दौलत आएगा तो चोर आ जाएंगे हमारे घर, कौन ले जाएगा, हमें किडनैप कर लेंगे, बहुत सारे केसेस आता है, तो ये होता है हमारा वेल्थ को लेके, फियर्स अबाउट वेल्थ या फॉर्स ऑफ वेल्थ, ध्यान देना, ये क्लियर। तो स्टीलिंग हो गया हमारा, फोबिया तो रहेगा, क्लेप्टो यूज करना है, KLEPTO, क्लेप्टो, स्पेलिंग मिस्टेक भी दिखते रहना, कभी स्पेलिंग मिस्टेक भी आ जाएगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन ऑप्शन में आएगा, इसलिए ये तो स्पेलिंग के लिए इतना हमको प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन स्पेलिंग जानना है, वी आर टू अकॉर्डेड विद द स्पेल, नहीं तो असुविधा होगा, असुविधा क्या, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो पर्सन हु फियर्स हो गया हमारा स्टीलिंग, आप करेंगे पर्सन हु फियर्स ऑफ वेल्थ, तो मुझसे अबाउट वेल्थ यूज कर सकते हो, हाँ, अबाउट वेल्थ, फियर्स ऑफ वेल्थ, ध्यान देना है, क्या यूज करेंगे उसे, जो धन दौलत को डरते हैं, धन दौलत को डरते हैं, इन द सेंस चोरी हो जाएगा, कौन है किडनैप कर लेगा, इस तरह का डर कुछ रहता है, कहाँ रखेंगे, बैंक में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, ये सब मैंने इस तरह का क्वेश्चन आता है, क्या होगा, दी पर्सन ऑफ फियर्स ऑफ वेल्थ, फोबिया तो रहेगा, आइदर PHO या FOBIA, कुछ नहीं है, लेकिन हम वेल्थ याद करिए, हम एक बार पढ़े थे वेल्थ के बारे में, जो सरकार अमीर लोगों से बनता है उसको हम क्या बोले थे, अमीर को क्या बोले थे, इसलिए बोलता हूँ, रटने से याद नहीं आएगा, वेल पर्सन, द पर्सन रिच, रिच पर्सन में चलता है, क्या बोला था, जो रिच पर्सन, जो पर्सन या जो गवर्नमेंट हंस बाय द रिच, क्या बोले थे, प्लूटो, प्लूटोक्रेसी, याद आया, प्लूटोक्रेसी, इसलिए बोल दो रटना नहीं, रटने से याद नहीं आएगा, ये क्या होगा, वो भी वेल्थ है, रिच है, क्लियर है ना, प्लूटोफोबिया, क्लियर, पूरा दिमाग में आ गया, और आपको रटना की जरूरत नहीं है, ऐसे दिमाग में आ जाएगा, प्लूटो, PLUTO, प्लूटोफोबिया, खत्म, इतना ही तो है। पर्सन हु फियर्स ऑफ वेल्थ, दैट इज फोबिया, तो डर है, रिच है प्लूटो, वेल्थ भी प्लूटो, तो प्लूटोक्रेसी, प्लूटोफोबिया, डाउट हो रहा है, क्रिटिकल है, क्रिटिकल है, लेकिन हम ट्रिक अप्लाई करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करके, ना कि जो वीडियो क्लास में दे रहे हैं, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ये कभी काम नहीं आएगा, पागल करने वाला है तरीका है, बिल्कुल नहीं, आपको मेहनत करना है, और कोई भी ट्रिक नहीं है, विद्या का या एजुकेशन का, एक ही ट्रिक है, दैट इज हार्ड लेवल, और कुछ ऑनेस्ट लेवल लेके, है ना। तो पर्सन हु फियर्स ऑफ वेल्थ, दैट इज प्लूटोफोबिया, अच्छा, एनीवे, और होता है पर्सन हु फियर्स ऑफ मैरिज, क्या होगा, मैरिज वो डरते हैं,
मैरिज मुझे करते हैं, क्या बोलते हैं उसे, माना शादी नहीं करेंगे, माना एबल नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहेंगे, ऐसा भी बहुत सारे पर्सन होते हैं, क्या बोलेंगे उनको, फोबिया तो रहेगा मैरिज वाले की। देखिए FOBIA फोबिया तो रहेगा, क्या बोलेंगे, जो मैरिज नहीं करना चाहते या मैरिज को डरते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते उनको क्या बोलेंगे, गैमोफोबिया, ध्यान देना गैमोफोबिया, GAMO गैमो, ये वर्ड सब यूज आएगा, याद आ जाएगा, याद आएगा तो यूज करेंगे, है ना, क्या होगा गैमोफोबिया। ओके, जो पर्सन शादी को डरते हैं, शादी को डरने का मतलब समझते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, शादी को मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, डरते हैं मेरा इनकम इतना नहीं, एफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, ये सब क्वेश्चन माना ये सेंस बताता है, गैमोफोबिया, क्लियर, डाउट नहीं है, ध्यान देना। The person who fears of marriage, that is gamophobia. इस तरह का, the person who fears of women, जो लड़कियों को स्त्रियों को डरते हैं, होता है ऐसा भी, बहुत सारे लोग होते हैं डरते हैं, हाँ सिर्फ हमें डरेंगे ऐसा नहीं है, हम भी दूसरे को डरेंगे, ये भी टाइप्स है, क्या होगा, person who fears of women, क्या होगा बोले, फोबिया तो रहेगा, फोबिया तो रहना ही रहना, ये PHOBIA भी ऑप्शन आ सकता है और FOBIA भी ऑप्शन आ सकता है। मैं देखो वो टारगेट बनाना, फोबिया एक बार समझा दिया, क्रेसी का एक बार समझा दिया, एक बार आपको साइट का समझा दिया, ऐसे ठीक बैठी जाएंगे, 400 या 500 को लिस्ट करना है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा नहीं तो मेहनत बेकार हो जाएगा, बोल देता हूँ, हमारा ऑफिसर वर्ड के ऑफिसर बनना है, हमारा वीडियो क्लास ऑफिसर बनाना है, ऑफिसर आप बनेंगे, आप अगर चाहेंगे तो बनेंगे, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा और मेरा पढ़ाई तब तक सफल नहीं होगा जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, क्लियर, पढ़ना पड़ेगा, है ना, जब पढ़ेंगे डाउट निकलेगा, डाउट का डाउट क्लियरिंग क्लास करेंगे तो जाके हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, मुझे पूछते रहे, कीप आस्किंग मी, आपका मैसेजेस, आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, एनकरेज बहुत करता है कि मैं और भी क्लास करूँ, बहुत अगर बिजी रहने के बाद भी क्लास करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता नहीं है, मुझे करना अच्छा लगता है क्योंकि मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, डेडिकेटेड है, है ना, वेरी गुड, कीप वाच, कीप इट अप, पर्सन हू फियर्स ऑफ वुमेन, क्या होगा, फोबिया तो बोल दिए। देखिए एक बात होता है, हम जो डॉक्टर के पास जाते हैं, माने जो यानी कि लेडीज डॉक्टर का ट्रीटमेंट करते हैं, लेडीज डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, वहां भी वही होगा, गायना, माने स्पेलिंग जरा ध्यान देना, क्या होगा, GYNAE, हाँ गायनाफोबिया, स्पेलिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा जब ये सेशन है, क्योंकि ये सेशन में ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन हमको ध्यान भी देना है ना, GYNAE गायनाफोबिया, गायनोकोलॉजिस्ट जो बोलते हैं गायनाफोबिया, जो औरतों को डरते हैं, क्लियर, डाउट नहीं है, डाउट होना भी नहीं है, डाउट करना मत कभी, ध्यान देना, ऐसे पर्सन एक होता है, ध्यान देना, पर्सन ऑफ फियर्स ऑफ रोमेंस इज गायनोफोबिया, द गायनोकोलॉजिस्ट, स्पेलिंग जरा देना, या स्पेलिंग में भी क्वेश्चन आ जाता है ना, एनीवे पर्सन ऑफ फियर्स ऑफ रोमेंस इज गायनोफोबिया, उसके बाद है पर्सन ऑफ फियर्स ऑफ स्ट्रेंजर, जो स्ट्रेंजर्स को डरते हैं, बहुत सारा केस होता है, कोई स्ट्रेंजर से खुश हो जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो स्ट्रेंजर से डरते हैं, बात करना डरते हैं, फोन करना डरते हैं, अगर मिस कर लग जाएगा तो बहुत डर आ जाता है, तो ये सब को क्या बोलते हैं,